नमस्कारम, मैं हूँ योगी नित्य। परमात्मा ने हमारे लिए हर तरह की चीज़ बनाई है। अगर कोई व्यक्ति दांत जिसके हैं उसके लिए वैसी चीज़ें बनाई हैं जो वो चबा के खा सके, और किसी के अगर दांत नहीं रहे, ज़िंदगी की उतार पर है, या बच्चा जब पैदा हुआ है अभी छोटा है जिसके दांत नहीं आए, उसके लिए भी उसने चीज़ें बनाई। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता भाई मेरे लिए कुछ नहीं बनाया, सबके लिए कर दिया, मेरे लिए नहीं किया। उसने सबके लिए इंतज़ाम किए। हम उसकी जो बड़ाई है, जितनी मर्जी गुण उसके गा लें, उसका धन्यवाद कर लें, हम उसका कर्ज मोल नहीं चुका सकते। आज हम बात करेंगे शकरकंदी की। शकरकंद जिसको आप कह देते हैं स्वीट पोटैटो, ये भी परमात्मा की बनाई एक बड़ी खूबसूरत, बड़ी अद्भुत चीज़ है। इसका लाभ, गुण, महिमा बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग ये नहीं जानते कि इसको कब खाना है और कैसे खाना है। यानी लोग फिर डर जाते हैं, कईयों का वज़न बढ़ रहा होता है, फिर वो डर जाते हैं कि मेरा वज़न पहले ही बढ़ रहा है और अगर इसको मैं खा लूँ कहीं और ना बढ़ जाए, क्योंकि ये आलू जैसी होती है, तो मन में वहम आता है कि आलू से वेट बढ़ता है, कहीं मेरा इससे और ना बढ़ जाए, पहले आगे नहीं रुक रहा, तो ऐसे में वो ये चीज़ों को खाते नहीं। फिर इसमें जो अनमोल दात है परमात्मा ने भरी हुई है, ताकत भरी हुई है सबके लिए, उससे वो वंचित रह जाते हैं। डायबिटीज़ वाले डर जाते हैं, भाई मीठी है कहीं कितनी खाऊं, खाऊं के ना खाऊं, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, फिर वो इसी वजह से नहीं खाते। ये सब चीज़ों के ऊपर मैं आज थोड़ा आपको बताऊंगा इन सब के विषय में। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, मेरा मकसद सिर्फ जड़ी बूटी के फ़ायदे बोलना नहीं होता, वो तो किताबों में पढ़ सकते हो आप, 2-4-5 ग्रंथ ले आओ आयुर्वेद के, आप पढ़ना शुरू कर दो, कुछ ना कुछ आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरा मकसद ये है कि हर चीज़ को सिंप्लीफाई करके बताऊं, पहली बात। दूसरी बात, आपको इस ढंग से समझाऊं कि आप खुद ही समझना शुरू कर दो हर जड़ी बूटी के बारे में, हर औषधि के बारे में। ये मेरी कोशिश रहती है हर बार, इसीलिए मेरी वीडियो भी थोड़ी लंबी होती है, कि आप एक बार, दो बार या कुछ वीडियोस मेरी देखो और आपको अपने आप दिमाग चलना शुरू हो जाए उसी विषय में। आखिर मैंने भी तो ये चीज़ें याद की हैं, मैंने भी तो ये समझी हैं, और अगर मैं पूरी कोशिश करके आपको भी समझाने की कोशिश करूं, आप भी अपने आप समझने शुरू हो जाओगे, फिर आपको मेरी ज़रूरत भी कम पड़ेगी, क्योंकि हज़ारों चीज़ें हैं, हज़ारों जड़ी बूटियाँ, हज़ारों खाने की, मतलब गिनती नहीं की जा सकती कितनी चीज़ें भगवान ने हमारे लिए बनाई हैं। सबके फायदे पड़ने में आओगे, ज़िंदगी बीत जाएगी, थक जाओगे, परमात्मा की चीज़ें नहीं ख़त्म होंगी। इसलिए कुछ चीज़ों को जब भी मैं बताता हूँ, इस तरह से बताता हूँ कि आपको उसके पीछे की जो फार्मूला है, जो उसके पीछे का सिद्धांत है, जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं, वो समझ में आ जाए आयुर्वेद का, तो आप दूसरी, जैसे शकरकंदी है जो आज इसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ, इसके बारे में मैं आज बताऊँगा, आपको इसके आसपास की सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी जो इससे मिलती जुलती है। आप देखिएगा, अभी मैं बताता हूँ आपको, आप खुद कहेंगे कि हाँ अब मुझे बाकी चीज़ों का भी पता चल गया। तो कैसे लेनी है शकरकंदी और किसको लेनी है और कब लेनी है, कब नहीं लेनी है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले तो मैं ये बता चुका हूँ कि शकरकंदी बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सब खा सकते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो चीज़ भगवान नरम नरम बनाई हुई है, आप कभी मत डरो। बुजुर्ग व्यक्ति डर जाते हैं कि मैं खाऊं कि ना खाऊं, अब उसके दांत नहीं है, बुजुर्ग व्यक्ति के दांतों से वो बादाम नहीं चबा सकता, अखरोट नहीं चबा सकता, या और सख्त चीज़ें हैं, खजूरें नहीं खा सकता, तो वो खुद मुंह में डालेगा भी तो घुलेगी नहीं, तो वो खुद कहेगा कि भाई मेरे मतलब कि ये है नहीं। लेकिन जब आप इसकी शकरकंद की बात करें, इसको लोग उबाल के भून के लेते हैं, तो इसको जब खाते हैं मुँह में घुल जाती है, भूल जाती, इसका मतलब यही है भगवान बहुत सावधान होके, बड़ा ही समझदारी से उसने हर चीज़ डिज़ाइन की है। अगर वो चाहता तो इसको सॉलिड रख सकता था, सख्त रख सकता था, तो सख्त रखने का मतलब ये होता, अगर वो सख्त रखता तो इसका मतलब ये था कि ये बुज़ुर्गों के लिए नहीं है, ये बच्चों, जो बहुत छोटे बच्चे उनके लिए नहीं है। लेकिन उसको उबालते ये नरम हो जाती है, बड़ी एक हल्का सा उबालना पड़ता है, नरम हो जाती है, इसका मतलब यही है कि उबाल लो हल्का सा या भून लो, हर कोई खा सकता। फिर आप पूछेंगे कि भाई उबालना बेस्ट है कि भूनना बेस्ट है, दोनों ही मेथड बहुत अच्छे हैं, उबाल के खा लो, भून के खा लो। लेकिन याद रहे, उबाल करके खानी है अगर, तो ये कब्ज करेगी, कब्ज करेगी मतलब जिनको दस्त लगी रहती है, जिनको पेट खाना खाते ही लूज़ हो जाता है, एकदम प्रेशर पड़ जाता है, बिखर बिखर के मल आता है, या जिनको लूज़ मोशन लगी हुई है, जिसको दस्त कहते हैं, डायरिया कहते हैं, या जिनको कई बार क्या होता है, अल्सर की वजह से पेट हर वक्त खराब रहता है, लूज़ रहता है, बंद के मोशन नहीं आती, बार बार आती है, दिन में कई बार आती है, उन लोगों को उबाल के दे दो, अच्छा है।
और जिनको कब्ज है, जिनको कब्ज यानी पेट नहीं साफ होता, बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है, कई तरह के चूर्ण खाने पड़ते हैं, उनको ये भून के दे दो कोयले पे, जलते हुए कोयले पे, अंगीठी पे, गैस पे, आजकल गैस का रिवाज है गैस पे, हालांकि गैस से भूनने से थोड़ा बहुत LPG का असर आता है चीज़ों में, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, आप अगर कोयला कोई जला सके तो बहुत बढ़िया। आजकल मैंने देखा बाजार में जो लोग बना के भी भून के भी बेचते हैं सड़कों पे, हालांकि उनको नहीं पता होता कि इतना धुआं नहीं करना, कोयले पे भूननी है, वो लकड़ियाँ जला के भून रहे होते हैं, रेत पे भून लेते हैं, रेत के अंदर डाल के गर्म रेत में इसको भून लेते हैं कई लोग थोड़ी बहुत, तो वो भुनी हुई जो शकरकंद है वो कब्ज में काम आएगी, जिनका पेट नहीं साफ होता उनके लिए। फिर जिनका वेट जिनको बढ़ाना है वो इस शकरकंद को घिया कस करके या फिर वैसे ही इसको टुकड़े टुकड़े करके इसको घी में भून के तल के खा लो, चिप्स की तरह चिप्स बनाते हैं जैसे आलू के, इसके चिप्स बना लो शकरकंद के, ये वेट बढ़ाएंगे। शकरकंद के चिप्स नहीं बनाने, शकरकंद के हलवा बना लो घी में, हलवा शकरकंद का, अगर जैसे कड़ाह बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, सीरा बनाते हैं, इस तरह कड़ाह बना के इसका हलवा बना के अगर खाते हैं घी में तो ये वेट बढ़ाएगा। एक दिन खा लिया वेट नहीं बढ़ेगा, इसकी रूटीन रखनी होती है, जितनी चीज़ें मैं बताता हूँ वेट बढ़ाने के लिए, कभी कुछ खा लिया जाए, किसी दिन कुछ खा लिया जाए, ऐसे मिलजुल के अपनी डाइट ऐसी बना ली जाए तो ये वेट काफ़ी अच्छा रखती है, गिरने नहीं देती वेट। जिनको वीकनेस आ रही है, कमजोरी आ रही है, या पुरुषों को कमजोरी होती है, उसमें भी ये भून के दे दो, इसका हलवा बना के या चिप्स बना के, बड़ा ताकतवर्धक है बड़ी, और बड़ी आपके शरीर को हर तरह की पोषक तत्व देती है, विटामिन ए बहुत होता है इसमें, कहने का मतलब पोटाशियम बहुत होता है, ये शरीर की छोटी छोटी ज़रूरतों को भी पूरा करती है, ताकत का सोर्स है मेन। जब व्रत रखते हैं लोग, कई लोगों के कई धर्मों में मैंने देखा कि लोग रोजे या व्रत ये कुछ रखते हैं, रोजे में तो शायद कुछ नहीं खाते मुझे इतना नहीं मालूम, लेकिन जिनको कुछ कुछ खाना अलाउड होता है तो वो व्रतों में जो अनाज नहीं खाते वो ये खाते हैं, मैंने देखा है, और इससे खा करके काफ़ी देर तक अगर कुछ नहीं खाया जा रहा तो भी ताकत रहती है। एक बड़ी कमी मैंने देखी लोगों में, वो लोग क्या कहते हैं कि अगर कोई चीज़ ताकत की दो ना उनको कि ये बहुत ताकत वाली है, ये बड़ी न्यूट्रिशियस है, इसको खा लो, तो वो ये कहेंगे भाई रख दो रोटी खा ले फिर देखेंगे। यानी हम रोटी को खाने की चीज़ समझते हैं, बाकी चीज़ें तो बस साइड पर रख दो फ्री टाइम खाएंगे। हमारा शरीर आहार की तरह लो, कुछ भी लो तो फिर नहीं वेट बढ़ता, लेकिन अगर आप कहोगे रख दें इसको रोटी खा के बाद में मैं खाने लग जाऊँ तो फिर वेट बढ़ेगा। वेट जिनको नहीं बढ़ाना और शकरकंद भी खानी है वो इसको भून के खाओ, क्योंकि भून के खाएंगे पेट अच्छे से साफ होगा, और पेट अच्छे से साफ होगा तो दस्त नहीं करेगी। कभी कभी स्वस्थ व्यक्ति है तो वो ये ना सोचे ओ मैं उबाल के नहीं खा सकता, अगर उबाल के खा लूंगा तो मुझे कब्ज हो जाएगी, नहीं, जो स्वस्थ है वो चाहे वो भून के खाए चाहे उबाल के खाए, लेकिन जिनको दस्त की शिकायत रहती है वो उबाल के खाएं, जिनको कब्ज की शिकायत है वो भून के खाएं स्पेशली, जिनको वेट कम करना है वो भून के खाएं। फिर एक चीज याद रखना हमेशा, कई लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं वेट बढ़ा ना दे घटा ना दे, ये जो शकरकंद है ना ये वात पित्त शामक है, वात पित्त यानी वायु से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स में काम आएगी, गर्मी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स में काम आएगी, और कफ वर्धक है, कफ वर्धक यानी जिनकी बॉडी में पहले से ही पानी ज़्यादा है, ब्लॉटिंग रहती है, या जिनको साइनस है, नज़ला है, छींके हैं, जुकाम है, बलगम है, ये उनके लिए इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि अगर साइनस छींके एलर्जी वाले भी खाना चाहें दो चार टुकड़े खा सकते हैं, और वो भी कौन से, भुने हुए, उबले हुए नहीं। एक चीज़ याद रखो फिर मैं समझा दूँ, उबालने का मतलब है कि इसमें पानी ऐड हो गया, पानी ऐड हो गया इसमें, पहले से ये कफ कारक है, यानी ये पहले से ही अगर ये अगर देखा जाए तो इसमें पानी है, और अगर आपने इसको पानी में उबाला तो ये साइनस छींके एलर्जी जुकाम या फिर कफ रोगों में काम नहीं आएगी, ये फ़ायदा नहीं करेगी, नुकसान करेगी। लेकिन अगर आपने वेट भी कम करना है तो भी इसको आप भून के ही लो, उबाल के ना लो, उबाल के लेंगे तो पानी इसमें ऐड हो गया, पानी ऐड हो गया तो पहले से ही कफ कारक है, और जो चीज़ कफ कारक होती है वो उसमें अगर पानी में उसको कर दिया जाए तो वो फिर वेट बढ़ाएगी। अब चलो आपने मान लो उबाल के लेनी ही है, चलो मान लिया, तो उसके साथ में छिलके साथ में ले लो, खा लो, पतला पतला काट लो ताकि छिलके भी खाए साथ में पता ही ना चले, ज़्यादा छिलके नहीं खा सकते, थोड़ा छिलका साथ में खा लो, एक शकरकंदी का छोटी खा लो, बाकी छिलके फेंक दो,
हल्का छिलका भी साथ में जाए, शक्करकंद भी जाए, लेकिन कफकारी चीज पर नमक लगा के ना खाओ। जैसे आलू हो गया, आलू कई बार भून के खिलाते हैं हम तो वेट कम होता है उससे, लेकिन अगर उबाल के आलू दिया जाए चलो उससे भी ठीक है, वेट नहीं बढ़ेगा उससे, बैलेंस रहेगा आलू उबले आलू से, लेकिन उबले आलू में घी लग जाए अगर तो वेट बढ़ेगा। इसी तरह शक्करकंदी भी अगर घी में तल ली भून ली तो वेट बढ़ेगा। इस पे नमक ना लगे, पानी में ना भूनो, उबाल के भून के खा लो तो ये वेट कम करे कम। ये अब ये ना सोचना कि मेरा तो पहले से ही कम है तो मेरा और ना कम कर दे, भाई जिसका बैलेंस है ना या कम है, ये भगवान की बनाई चीजें इसको तंग नहीं करेगी किसी को। ये उनको मैं कह रहा हूँ, हिदायत दे रहा हूँ कि वो नमक लगा के ना खाएं या इसको शाम के समय ना खाएं, यानी सूर्य ढल गया है तो कफकारी चीजें ना खाओ। हमेशा याद रखो कफकारी चीज सूर्य ढलने के बाद नहीं लेनी। कफकारी चीज कौन सी है? आलू है, चावल है, ये केला है, दही है, कितनी ये सारी चीजें कफकारी है, यानी ठंडी है ना हल्की तो कफकारी हो गई, तो इसको शाम को नहीं देना होता, सुबह खाओ दोपहर को खाओ, यानी इसने ज्यादा देर तक आपको पेट आपका भरा रखना है, आपको ताकत देनी है पूरी, तो इसका मतलब यही हुआ कि आपको सुबह खा लेनी चाहिए। सुबह नहीं कोई खा सकता, दोपहर को खा लो, भरपेट खा सकते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग है जिनका हाजमा कमजोर है, बहुत कमजोर है, वो भरपेट ना खाओ, थोड़ी खा लो। अपनी आप अपने आप से पूछना होता है कि भाई मैं कितनी पचा सकता हूँ। धीरे धीरे इंसान को तजुर्बा हो जाता है कि मैं इतनी चीज खा सकता हूँ। लालच नहीं करना ज्यादा, वेट के लिए डायबिटीज के लिए सेफ है। डायबिटीज जिनको शुगर है, आप कई लोग कहते हैं मीठी है ये तो मैं नहीं खा सकता, हालांकि आलू फिर भी बहुत ज्यादा उसमें ग्लाइसिमिक इंडेक्स उसका ज्यादा है, वो डायबिटीज वालों के लिए इतना अच्छा नहीं है आलू, लेकिन शक्करकंद आलू आलू से बेहतर है, वो डायबिटीज में दे सकते हैं, लेकिन कितनी दे सकते हैं वही लिमिट में, थोड़ी बहुत दे दो हल्की फुल्की। फिर ऐसा व्यक्ति शक्करकंद खा के, ये नहीं कि शक्करकंद भी खा रहा है ऊपर से और फ्रूट खाई जा रहा है, ये भी खा रहा है वो भी खा रहा है, बैलेंस बना के चलना, चीज पुरानी पच जाए फिर दूसरी खाओ, ये है इसके शक्करकंदी के लाभ। बच्चा खाए बुजुर्ग खाए, ताकत देगा, हड्डियां मजबूत करेगा और शरीर भरा रहेगा, पेट भरा रहेगा, ज्यादा भूख नहीं लगेगी। व्रतों में उपवास में जिनको अनाज, जैसे मैं मना करता हूँ कि अनाज ना खाओ वेट जिनको कम करना है, वो इसका नाश्ता कर लो, शक्करकंदी का नाश्ता नहीं करना, लंच में खा लो, हल्का नींबू डाल सकते हो उस पर, हल्की काली मिर्च डाल सकते हो, लेकिन अगर आपने वेट, अगर तो आपका वेट आपको परवाह नहीं है कि बढ़े घटे, तब तो आप कुछ भी करो, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने पर्टिकुलरली खास तौर पे वेट घटाने के लिए लेनी है, तब नमक डाल के मत लो, बस इतनी सी खास बात ध्यान रखनी है। बाकी और भी बातें तो बहुत हैं, शक्करकंदी हो या कोई और जड़ी बूटी हो, आप किसी भी जड़ी बूटी को अगर एक्सप्लेन करने लगो अगर, तो करते जाओ चाहे, लेकिन उसका कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि वात पित्त नाशक है ये जड़ी बूटी, ये जो मैं बता रहा हूँ ये शक्करकंद। अब वात नाशक है इसका मतलब जोड़ों के दर्द में सेफ है, सेफ यानी ये नहीं होता कि शक्करकंदी खाई और जोड़ों के दर्द ठीक हो गए, ऐसे तो सारी चीजें वात नाशक जो प्रॉब्लम है वो तो आपको प्राणायाम योग हर चीज साथ में करनी ही पड़ेगी, लेकिन एक चीज ध्यान रखो ये वात शामक है, यानी ये जोड़ों के दर्द में नुकसान नहीं करेगी, जिसको आर्थराइटिस है उसमें नुकसान नहीं करेगी, ये जिसको और वायु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या शरीर में और वायु वात इस सब में काम आएगी। पित्त, पित्त यानी गर्मी, एसिडिटी, ब्लीडिंग होना, ओवर ब्लीडिंग होना, गर्मी बहुत ज़्यादा लगना, हाथ पैर से पसीना आना, ये जितने पित्त के रोग है गर्मी से रिलेटेड रोग है, इन सब में काम आएगी। बस हल्का सा सावधानी नज़ला जुकाम कफ और कफ से रिलेटेड रोगों में रखनी है कि इसको उसमें कम खाया जाए या ना खाया जाए, या फिर सिर्फ धूप निकली हुई है तो थोड़ी मात्रा में खा लिया जाए, वो भी भुनी हुई। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।